वंदे मातरम दर्शक मित्रों, आप देख रहे स्टार न्यूज नेटवर्क और मैं विजयकांत। शनिवार को महाशिवरात्रि के अवसर पर डिंडोली करद्वार रोड स्थित साईं पील रेजिडेंसी में श्री सोमेश्वर महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसके तहत आज यानी 17 फरवरी को कलश यात्रा शुरू की गई, जो करडवा गांव पहुंची और नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर से कलश में जल लिया गया, सभी रेजिडेंसी तक यात्रा निकाली गई। महाशिवरात्रि का पर्व शनिवार को मनाया जाएगा, फिर सूरत में शाही विला रेजिडेंसी में श्री सोमेश्वर महादेव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन शुरू होगा। सोमेश्वर महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आज दिन शुक्रवार 17 फरवरी से कार्यक्रम शुरू हो चुका है, जिसमें शुक्रवार सुबह भव्य शोभा यात्रा निकाली जा चुकी है। शोभा यात्रा करवा गांव स्थित नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर, जहाँ से शोभा यात्रा कलश में जल लेकर शाही विला रेजिडेंसी तक लौटाएगी। इसकी जानकारी देते हुए डॉक्टर पाटिल ने कहा कि शाही विला रेजिडेंसी में सोमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किया गया है, इसके लिए 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया है। डॉक्टर अशोक पाटिल ने बताते हुए कहा कि 17 फरवरी को सुबह 9 बजे शोभा यात्रा निकाली जाएगी, इसलिए महाशिवरात्रि पर्व के लिए शनिवार 18 फरवरी को सुबह 8 बजे से मूर्ति की स्थापना की जाएगी। वहीं 19 फरवरी को 12 से 4 फरवरी तक महाप्रसादी के साथ प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का समापन किया जाएगा। सोमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कर सूरत के डिंडोली स्थित साई विला रेजिडेंसी में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहां से शुरू हुई कलश यात्रा की बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए थे। वहीं बम भोले के माहौल में गुंजयमान दिव्य ध्वनियों के साथ लोग वहाँ पर उपस्थित रहे और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि के रूप में छोटू भाई पाटिल भी वहां पर मौजूद रहे और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के साथ साथ श्रद्धालु वहां पर उपस्थित रहे। आज साई विला रेसिडेंसी खाते सोमेश्वर महादेव प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव नो आयोजन करवामां आव्युं छे। खूब भक्तिमय रीते आज शोभायात्रा काढवामां आवी। काले महाशिवरात्रिना पर्व पर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव छे, परम दिवसे महाप्रसाद भंडारानो आयोजन करवामां आव्युं छे। दरेक सोसायटीमांथी, आजूबाजूनी सोसायटीमांथी पण लोको त्यां सामिल थया छे अने सोसायटीमां जे उत्साह छे तमने जोवा मळी रह्यो छे। अने आजे आखा भारतमां जे भक्तिमय वातावरण थयो छे ए अहींया जोवा मळी रह्यो छे। जी जय श्री शिव शिवाय नमस्तुभ्यम। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि आज जो आपके सामने ये मंदिर दिखाई पड़ रहा है, श्री सोमेश्वर महादेव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का यह आयोजन हो रहा है, जिसमें आज के दिन हम शोभा यात्रा का कार्यक्रम लेकर के चल रहे हैं। शोभा यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ, साईं विला रेसिडेंसी परिवार की महिलाएँ, अगल बगल के सारे लोग, सभी लोग इन्वॉल्व हैं। अगर शोभा यात्रा की बात करें तो जो प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम होता है उसमें जो 3 दिवसीय महोत्सव है उसमें आज जितना महोत्सव है वो महोत्सव के अंतर्गत हम
हम प्राण प्रतिष्ठा से पहले की जो पूर्व तैयारी होती है वो करने वाले हैं। अगर हम कल की बात करें तो कल इस महोत्सव में, कल आप सभी को पता है शिवरात्रि का दिन है, शिव का दिन है, तो उस शिवरात्रि को ध्यान में रखते हुए कल यहाँ पे हम लोग प्राण प्रतिष्ठा का भी आयोजन करने वाले हैं। साथ ही साथ जो समाज के कुछ ऐसे लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, जो सनातन धर्म को आगे लेकर के चलते हैं, उनका एक सम्मान कार्यक्रम है। अगर हम उसके दूसरे दिन यानी 19 तारीख की बात करें तो शिव जयंती का दिन है और उसी दिन हमने महाप्रसाद भंडारा का भी आयोजन रखा है, साथ ही साथ आरती का आयोजन रखा है। और ये 3 दिवसीय महोत्सव के साथ ही हम प्राण प्रतिष्ठा डाल करके श्री सोमेश्वर महादेव भगवान को जन जन तक पहुंचाने के लिए आगे लेकर के चल रहे हैं। साईं विला परिवार के जितने भी लोग हैं सभी का इसमें पूरा सहयोग रहा है, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और आज ये जो तैयारी आप देख रहे हैं इससे ही आपको ये अंदाजा लग जा रहा होगा कि किस तरीके से लोगों में जोश और उत्साह है। धन्यवाद आप सभी को। जय शिव शंभु। देखते रहे स्टार न्यूज नेटवर्क और बने रहे हमारे साथ।